हेलो गाइस, व्हाट्सअप कैसे हो आप सब लोग का। आप कहाँ सबका ना स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल एस आर गेमिक्स में। चैनल पे ना सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, पास के बेल आइकन को दबा दो मेरे न्यू अपडेट्स के लिए। तो गाइस, जो लोग मेरे पिछले पहले वाले वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि मेरे भाई एक आइलैंड में रहता था, वहीं पर सब फार्मिंग वगैरह अपना करता था। भाई ये क्या हो क्या गया भाई, एक सेकेंड, किसी ने मारा मुझे भाई, भूख से मेरी हालत। फटाफट फटाफट चल, फटाफट चल गाय, तुझे मुझे मार मैं अरे भाई मुझे तेरे को मारना पड़ेगा। मर मर मर, अबे कुछ दिया कि नहीं भाई, मीट पीस आ जा इधर। भाई बच गया भाई, मुझे मेरे दो गाय मारने पड़ गए। भाई बच्चा एक है या दो है भाई, एक ही गाय बचा था, ये एक ही गाय बचा अभी भाई, इसके ब्रीडिंग के लिए एक और गाय लाना पड़ेगा भाई, क्या करें। किस्मत खराब है भाई, किस्मत पूरा ही खराब है। चलो भाई, तुम्हारे लिए बाद में कभी ले आएंगे तुम्हारा कोई दोस्त फालतू सा। चलो अच्छा है, भूख के समय काम तो आ जाता है। तो गाइस, ये भाई ये भी उधर उग गया, इसे पहले तोड़ते हैं। तो गाइस, जो लोग मेरे पिछले वीडियो देखते होंगे वो तो जान चुके होंगे कि भाई हम ऐसे ही एक आइलैंड में रहते थे, पर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मुझे ये आइलैंड से उठकर दूसरे, मतलब बेसिकली हुआ क्या था ना, मैं मतलब उस आइलैंड में था, मैं अपना बेड को ऊपर ला कर लगा रहा था। तो भाई ऊपर लगाते समय ना भाई एक जॉम्बी आया भाई, मारने लग गया। और जानते हो भाई ये ट्राइडेंट वाले जॉम्बी बड़े डेंजर होते हैं, और मेरा फ़ोन लैग हो गया ज़्यादा एनिमल के वजह से। कहानी ख़त्म, मेरी कहानी ख़त्म हो गई भाई, मैं क्या करूं। फिर मैं पूरा रिस्पॉन हो गया अपने बर्फ़ वाले इलाके में। फिर मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मेरा जगह नहीं मिला। तो फिर मुझे एक आइडिया आया, तो भाई थोड़ा बीच में कॉल आ गया ना, इसलिए मुझे काटना पड़ा, मतलब वीडियो स्टॉप करना पड़ा, पहले मैं इस पेड़ को काटता हूँ। तो हाँ गाइस, तो मुझे बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तब मुझे ये वाला समंदर के बीच में ये जगह दिखाई दिया। भाई जगह तो मस्त है, छोटा सा, मतलब बहुत 4-6 ब्लॉक्स का आइलैंड जैसा था। मैं बोला भाई, मैं एक विलेज में था पहले, उस विलेज से इधर आया। तो भाई मैं बोला एक काम करते हैं, यहीं पे आइलैंड बना लेते हैं अपना। यहीं पे आइलैंड बना लिया और विलेजर्स को यहाँ शिफ्ट कर लिया पिद्दी पिद्दी घर में, क्योंकि भाई और क्या किया जाए, विलेजर्स रहेंगे तभी फ़ायदा है पास में। पर ये विलेजर्स का कुछ फ़ायदा ही नहीं है भाई, ये लोग मतलब कुछ ज़्यादा कुछ हेल्प करते नहीं है, क्योंकि विलेजर्स अपने गाँव में जब होते हैं बहुत हेल्प करते हैं भाई। ये पेड़ की कहानी ख़त्म, तो जा भाई निकल, मुझे नहीं ज़रूरत तेरी। अच्छा मैं वैसे भी बहुत सारा सैपलिंग्स लगाए हूँ, जिस दिन ग्रो कर जाएंगे ख़त्म, मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा मुझे अभी बाहर जाना नहीं पड़ेगा, रुक जाओ भाई कितना हो गया। देखो भाई एक पेड़ काटा नहीं कि कितने सैपलिंग्स मिल गए। अरे आ जाओ, मैं पहले यहाँ पे एक प्लांट कर लेता हूँ इसके प्लेस में। मुझे भाई सैपलिंग 10 सैपलिंग है। सो हाँ गाइस, जो काम हमारा पिछले वीडियो में बाकी रह गया था, आज हम वो काम कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब अपना हॉर्स का स्टेबल बनाने वाले हैं हम लोग। भाई और एक पेड़ उग गया भाई, कोई नौटंकी चल रहा है यहाँ पे। सो गाइस, मैं फटाफट से आपको स्पीड में दिखाता हूँ अपना हॉर्स स्टेबल बनवाना और इन पेड़ों को काटना। सो गाइस ठीक है,
तो आपने टाइम लैप्स में देख लिया होगा कि मैंने ये सब कंप्लीट कर लिया था। तो अभी बस कुछ नहीं, मुझे ये सब आलू वालू खोदने हैं, थोड़े काम बाकी है उसे करने हैं और कुछ नहीं। मैं फटाफट से इन्हें फटाफट करना पड़ेगा। मैं सब मतलब मैंने जो सब लगाए थे ना वो सब पक चुके हैं अभी। सब कुछ साफ करते हुए जाना है। मैं वैसे कितने हो गए कि भाई भाई साहब सब फुल फुल। मैं मेरे पास कोई चेस्ट वगैरह भी नहीं है। अभी एक चेस्ट क्राफ्ट करते हैं फटाफट से।
फट्टा कुछ मतलब इसमें थोड़ा अजीब से साउंड आ रहा है, ढप ढप करके साउंड आ रहा है। जाऊँ तो तेरे पत्थर ऐसे रेडी तो ये हो गया तो हाँ तो हाँ भाई इससे जल्दी जल्दी कर देना है। तो वो सब जानता है दो ठीक रे काटे भाई मुझे देख जाके बस देखना है मेरे मतलब कितने हुए ये सब, क्योंकि भाई इतने तो मतलब बह रहे हैं भी कुछ। पहले इसे रखवा लेता हूँ, बस फटाफट वीडियो कंप्लीट करना है, क्योंकि बस ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम है।